वंदे मातरम फ्रेंड्स, आई एम माधव फ्रॉम मैथ माधव। चलिए मैथ्स की दुनिया में चलते हैं। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो आपके सब्जेक्ट, आपके चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का ही एक नेक्स्ट टॉपिक है, वर्ड्स प्रॉब्लम। वर्ड्स प्रॉब्लम की सीरीज में हम आगे बढ़े धीरे धीरे, और आज की जो प्रॉब्लम है वो एज प्रॉब्लम है। बढ़ती उम्र सबकी प्रॉब्लम है, एज बढ़ती जाएगी तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होगी। लेकिन यहाँ पे आपकी बढ़ती उम्र की प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे प्रॉब्लम आपके एज से रिलेटेड है। कि आपसे पूछा जाएगा कि आपकी एज कितनी है, हमारी एज कितनी है, आपकी एज से मेरी एज 2 times है, 3 times है, आपकी एज बहुत कम है, ज़्यादा है, कम है, ऊपर है, नीचे, जो भी है, सब मिलाकर हमें यहाँ पर किसी न किसी की एज फाइंड आउट करनी है, 5 साल पहले या 10 साल बाद या प्रेजेंट में कुछ भी आपसे पूछेगा। तो इस तरह के एज प्रॉब्लम्स को हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो जरा कुछ उसके टिप्स को थोड़े बहुत देख लेते हैं कि क्या करते हैं। जैसे एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखना है कि जब भी कोई क्वेश्चन इस तरीके से आ रहा है तो हम कोई भी 2 बंदे होंगे यहाँ पर, या अकेला बंदा है, कोई भी है, किसी से अगर रिलेशन बता रहा है तो उसमें हम तुरंत एक प्रेजेंट एज तुरंत मानते हैं किसी न किसी की, ठीक है, कि प्रेजेंट एज ऑफ राम, मान लो कोई राम है, हमने मान लिया एक्स है, कोई दूसरा बंदा है तो उसका भी प्रेजेंट एज मान लो प्रेजेंट एज ऑफ श्याम, ये दोनों हो गए, इसको वाई मान लिया। 2 वेरिएबल का यूज करना है आपको। अब इसमें कुछ चीजें और आती हैं बार बार, क्या आता है कि 5 साल पहले राम की एज श्याम की एज का 2 times था, तो 5 साल पहले की जब बात हो रही है तो ये तो प्रेजेंट में एक्स है ना, तो हमें रिलेशन बनाना है राम और श्याम के बीच में 5 साल पहले का। तो 5 साल पहले ये नहीं लिखोगे, अगर वो बोल दे कि 5 साल पहले जो राम की एज है वो 5 times है श्याम की एज की, अगर ये तुमने बना दिया तो गलत हो जाएगा ना ये। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि एक्स और वाई जो है ये 5 साल पहले की एज नहीं है, ये तो अभी प्रेजेंट की एज है। तो हमें सबसे पहले इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 5 साल पहले की एज पता करनी पड़ेगी। तो अभी एक्स है तो 5 साल पहले कितनी होगी इसकी एज, एक्स से क्या करो 5 साल माइनस कर दो, ये तो करोगे। अभी मेरी एज 30 ईयर है तो 5 साल पहले कितने की होगी, तो 30 - 5, अभी एज इसकी एक्स है तो 5 साल पहले x - 5। तो अगर ये 5 साल पहले ये x - 5 था तो ये भी तो 5 कम होगा ना, तो ये भी y से 5 कर कम कर दो, इसका भी 5 साल कम करो, तो ये 5 साल पहले की एज हो जाएगी। अब यहाँ पे तुम जो रिलेशन बनाना चाहो लिखो कि राम्स एज, राम की एज कितनी है x - 5 इज इक्वल्स टू 5 times किसके, श्याम की एज के, तो 5 times y - 5, श्याम का एज y - 5 है। ये तो हो गया पहले की बात हो गई। अगो, कई बार अगो लिख के आता 5 ईयर अगो, तो अगो में हम ऐसे लिखते हैं। और आफ्टर की बात आएगी, या कभी हैंस लिख करके आएगा कि आफ्टर 10 ईयर, एक तो पहले का रिलेशन बताया और बाद का रिलेशन बताएगा, तो पहले में माइनस कर रहे हो। जब बाद की बात आएगी कि 10 साल बाद, अभी एज एक्स है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, करेक्ट, एक्स में 10 क्या कर दो, ऐड कर दो, अभी एज 30 है, 10 साल बाद कितनी होगी, 30 + 10। अभी एज वाई है, 10 साल बाद एज कितनी हो जाएगी, y + 10। तो इतना हमें लिखने के बाद ही तब उस रिलेशन को पढ़ेंगे हम, और वहां से हम क्या बनाएंगे, इक्वेशंस को बनाएंगे। तो चलें अब क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं और देखते हैं। तो आपके बुक में एक्सरसाइज 3.1 NCERT फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, आफ्ताब कह रहा है अपने डॉटर से, 7 years ago आई वॉज 7 times एज ओल्ड एज यू। आफ्ताब कह रहा है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारी एज का 7 times था। आफ्ताब किससे कह रहा है, अपनी डॉटर से कह रहा है। तो मान लो कि जो आफ्ताब की एज है, एज ऑफ आफ्ताब और एज ऑफ हिज डॉटर, या एज ऑफ हिज डॉटर, ठीक है, 2 तो हमें तुरंत मानना है। ये सब जो हम लिख रहे हैं ये प्रेजेंट, मैंने बताया था ना कि सब तुरंत हमें प्रेजेंट मानना है। प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब इज इक्वल्स टू एक्स ईयर एंड हिज डॉटर्स एज इज वाई ईयर, मान लिया हमने तुरंत तुरंत। अब क्वेश्चन पर आ जाओ, क्वेश्चन क्या कर रहा है, 7 years ago, ये बताओ पहला कंडीशन तुम्हें दिया उसने 7 years
अगो, ये फर्स्ट कंडीशन है 7 ईयर अगो की। तो 7 ईयर अगो इस आफ्ताब की एज कितनी हो जाएगी, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ आफ्ताब, आफ्ताब की एज होगी एक्स माइनस 7, 7 साल पहले का मतलब 7 साल क्या करोगे, कम करोगे, एक्स माइनस 7 ईयर हो गया। और उसके डॉटर की एज कितनी हो जाएगी, डॉटर की एज भी क्या होगी, वाई से 7 कम हो जाएगी, वाई माइनस 7 ईयर हो जाएगी, यही तो होगी ना, क्लियर हो गया। अब देखो क्वेश्चन में कहा है कि 7 साल पहले जो आफ्ताब की एज है उसके डॉटर की एज का 7 टाइम्स है। आफ्ताब की जो एज है, आफ्ताब की जो एज है इज इक्वल्स टू 7 टाइम्स, 7 टाइम्स ऑफ, आपका मतलब इनटू 7 टाइम्स ऑफ हिज डॉटर्स एज, उसकी डॉटर की एज कितनी है, वाई माइनस 7, यही तो है। बस इक्वेशन तुम्हारा बन के तैयार हो गया, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं क्या हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे, पहले इसको लिख देते हैं एक्स माइनस 7 इक्वल्स टू 7y माइनस 49, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई करोगे तो, ये एक्स माइनस 7y को इधर भेज दो, माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 49 प्लस माइनस 7 उधर गया तो प्लस 7, तो एक्स माइनस 7y इक्वल्स टू माइनस 49, तो एक प्लस एक माइनस है तो सीधे क्या करोगे, आंसर कितना हो जाएगा माइनस 42। ये तुम्हारा क्या बन गया, फर्स्ट इक्वेशन बन गया, क्लियर। अब सेकंड पे आओ जरा, सेकंड ये क्या कर रहा है, कह रहा है 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, ऑल्सो 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ आई शैल बी 3 टाइम्स एज ओल्ड एज यू, कह रहा है कि 3 साल बाद, 3 ईयर्स फ्रॉम नाउ, नाउ का मतलब अभी से, 3 साल बाद तरीके से हमारी जो एज है किसकी एज, आफ्ताब की, उसके डॉटर की एज कितनी हो जा रही है, 3 टाइम्स। अब फिर क्या करोगे, अब बाद की बात हो रही है ना, तो जब बाद की बात हो रही है तो यहां पे लिखो 3 आफ्टर 3 ईयर्स, आफ्टर 3 ईयर आफ्ताब की एज कितनी होगी, अभी एज एक्स है तो 3 साल बाद 3 साल और बढ़ जाएगी एज, तो इसकी बढ़ेगी ऐसा तो नहीं डॉटर की ना बढ़ा, इसकी एज वही रह गई, इसकी एज बढ़ती जा रही है, इसकी वही रह जा रही है, इसकी एज कितनी हो जाएगी, इसकी भी 3 साल बढ़ेगी, तो वाई प्लस 3 ईयर हो जाएगी इसकी भी एज। अब ये क्या कह रहा है, जो हमारा रिलेशन बनेगा यहाँ पर क्वेश्चन में, उसने कहा कि जो आफ्ताब की एज है, आफ्ताब की एज कितनी है, एक्स प्लस 3 इज इक्वल्स टू, वो 3 टाइम्स है, 3 गुनी है किसके एज का, उसके वाइफ नहीं डॉटर की एज का, वाई प्लस 3, क्लियर समझ में आया। अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं, एक्स प्लस 3 इक्वल्स टू 3y प्लस 3 जा 9, तो यहाँ पर x 3y इधर गया माइनस 3y इक्वल्स टू 9, 3 उधर गया माइनस 3, तो x माइनस 3y इक्वल्स टू 6, ये तुम्हारा सेकंड इक्वेशन बन गया। अब इन दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, और आपसे क्वेश्चन ने पूछा हुआ है फाइंड द, इसको तो हमें ग्राफ पे शो करना दूसरी चीज़ है, लेकिन अगर यहाँ पे x और y की वैल्यू तुम्हें फाइंड करनी होती है, आफ्ताब की एज कितनी है और उसके डॉटर की एज कितनी है, तो यहाँ से इक्वेशन को सॉल्व करते एक्स और वाई की वैल्यू आती, जो एक्स की वैल्यू आती वो आफ्ताब की प्रेजेंट एज होती और वाई इज हिज डॉटर्स एज। तो चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर, देखो जितने ज़्यादा तुम न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारा कॉन्सेप्ट वर्ड्स प्रॉब्लम में क्लियर होगा, जितनी भी तुम्हारे पास बुक्स हैं आर एस अग्रवाल, आर डी शर्मा, जितना तुम वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो उतनी वर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्व करो और एक सिक्वेंस में करो। बच्चे क्या करते हैं, कोई भी वर्ड्स प्रॉब्लम उठाया सॉल्व करना शुरू कर दिया, आप क्या करो जिस तरीके से मैं बता रहा हूँ यहाँ पे, सबसे पहले मैंने बताया था आपको मनी प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस वर्ड्स प्रॉब्लम आपकी सारी बुक में, एनसीईआरटी में, एग्जाम्पलर में, आर एस अग्रवाल में, आर डी शर्मा में, कहीं भी तुम्हें दिखे उसको सॉल्व कर लो, ताकि ये क्लियर हो जाए कि हाँ मनी प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम अगर आएगी तो आप उसको सॉल्व कर लोगे। अब जैसे यहाँ पे चला डिजिट प्रॉब्लम, तो डिजिट प्रॉब्लम से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लो, एक सिक्वेंस से सिस्टमेटिक वे से पढ़ोगे ना तो आपको लगेगा कि हाँ हमने क्या हमारा क्लियर है, क्या हमारा तैयार है, अदरवाइज जो मन किया वो क्वेश्चन उठा लिया और आखिरी में आपको समझ ही नहीं आ रहा कि कौन सा क्वेश्चन हमारा तैयार है, कौन सा क्वेश्चन तैयार नहीं है, आपको खुद ही नहीं पता होगा। तो इसमें आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3 का सबसे लास्ट क्वेश्चन 6। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ये भी बड़ा सिंपल सही है, लिखा हुआ है 5 ईयर हैंस, मैंने बताया ना हैंस का मतलब हम क्या लेते हैं, बाद,
फाइव ईयर हैंस द एज ऑफ जैकब विल बी थ्री टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो यहां दो लोग हैं, जैकब है और उसका सन है, तो पहले क्या करो, सबसे पहले वही प्रेजेंट एज ऑफ जैकब इक्वल्स टू एक्स ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन इज इक्वल्स टू वाई ईयर, यही मान लोगे, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि फाइव ईयर हैंस, पांच साल बाद, तो यहां पे पहला कंडीशन है फाइव ईयर हैंस। तो सबसे पहले तो देखो फाइव ईयर हैंस मतलब फाइव ईयर के बाद उसकी एज कितनी हो जाएगी। अभी जैकब की एक्स है, पांच साल बाद जैकब की एज कितनी होगी, एक्स प्लस फाइव हो जाएगी। और जैकब के सन की एज कितनी हो जाएगी, देखो जेएस लिखा हूं, जैकब सन कितनी हो जाएगी, वाई प्लस फाइव हो जाएगी। अब इन दोनों के बीच में पांच साल बाद क्या रिलेशन हो रहा है वो देखते हैं। लिखा हुआ फाइव ईयर हैंस द जैकब विल बी थ्री टाइम्स ऑफ दैट हिज सन। जैकब जो है, जैकब, जैकब की जो एज है कितनी है, एक्स प्लस फाइव, जैकब्स एज इज इक्वल टू थ्री टाइम्स, थ्री टाइम्स कौन, थ्री इंटू किसकी एज, उसके सन की एज का, सन का एज कितना है, वाई प्लस फाइव। अब इसी को हम सॉल्व कर लेंगे, इधर सॉल्व कर लेते हैं, तो एक्स प्लस फाइव इक्वल्स टू थ्री का वाई में करोगे तो थ्री वाई, तो थ्री का फाइव में करोगे फिफ्टीन, तो एक्स थ्री वाई इधर भेज दो माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू फिफ्टीन, फाइव उधर गया माइनस फाइव, तो एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू टेन। ये हमारा हो गया फर्स्ट इक्वेशन, एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू टेन। अब फिर इसमें क्या कह रहा है वो, फाइव ईयर अगो, पांच साल पहले जैकब्स एज वॉज सेवन टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। तो पहले देख, तो ये देखे पांच साल पहले क्या एज होगी, पांच साल बाद एज में प्लस हुआ था, तो पांच साल पहले की बात हो रही है तो पांच साल माइनस कर देना है, ये तो करोगे, पांच साल पहले, पहले की एज माइनस हो जाएगी। अब रिलेशन देखते हैं हम, इस पहले इक्वेशन को यहां पर छोड़ देते हैं, सेकंड इक्वेशन बनाते हैं। लेकिन अगर पांच साल पहले जो जैकब की एज है, जो जैकब की एज है इज इक्वल्स टू सेवन टाइम्स ऑफ हिज सन से, उसके सन के एज के, सेवन टाइम ही है ना, हाँ सेवन टाइम्स है। चलो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व करेंगे तो फिर वही होगा, एक्स माइनस फाइव इक्वल्स टू सेवन का वाई में, तो सेवन वाई, सेवन वाई, सेवन का माइनस फाइव में माइनस थर्टी फाइव। अब ये कितना हो जाएगा, एक्स सेवन वाई इधर गया, एक्स माइनस सेवन वाई इक्वल्स टू माइनस थर्टी फाइव, और माइनस फाइव इधर गया तो प्लस फाइव, तो एक्स माइनस सेवन वाई इक्वल्स टू थर्टी फाइव से फाइव माइनस करोगे तो माइनस थर्टी। जी आप हो गया सेकेंड इक्वेशन। देखते हैं कोई और भी प्रॉब्लम है इसकी, हम लोग एज की प्रॉब्लम ऐसे देख रहे हैं जैसे मान लो डॉक्टर है और सारे बीमार यहाँ पर आए हुए हैं, सर हमें एज की प्रॉब्लम है। चलो तुम लोग को एज की प्रॉब्लम ना हो तो एक्सरसाइज करते रहो, थोड़ा तेल मसाले से दूर रहो। चलो आगे देखते हैं, इसमें एक और एज प्रॉब्लम है, एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड। फाइव ईयर अगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी एंड सोनू, तो हटाओ इन सबको, जैकब को, अब नूरी की बात करते हैं हम, तो नूरी है और उसका सन है, तो तुरंत मैंने क्या बोला, प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज एक्स ईयर एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, सन नहीं है सोनू, उसका सन है कि सोनू है, कौन है, फाइव ईयर अगो नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। अब पता नहीं कौन है ये सोनू, कोई होगा, खुद सोच लो कौन हो सकता है, वाई ईयर, ठीक है। ये तो प्रेजेंट एज हो गई, अब कंडीशन क्या दिया हुआ है, नूरी वॉज फाइव ईयर अगो की बात हो रही है कि फाइव ईयर अगो, तो तुरंत जैसे दिखा फाइव ईयर अगो तो उसके आगे पढ़ने से अच्छा तुरंत लिख दो, ऐसे तुरंत लिखो फाइव ईयर अगो द एज ऑफ किसकी, नूरी इज इक्वल्स टू एक्स माइनस फाइव, ऐसे मत लिखना एग्जाम में, जितना मैं बोल रहा हूँ एज ऑफ नूरी इतना पूरा लिखना, मैं थोड़ा वीडियो बहुत लंबी ना जाए इसलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, एंड एज ऑफ किसका, सोनू इज इक्वल्स टू वाई माइनस फाइव, पाँच साल पहले की बात हो रही है। अब रिलेशन देखते हैं क्या लिखा हुआ है,
नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू. सोनू नूरी जो है, नूरी जो है वो सोनू से थ्री टाइम्स ज़्यादा है इसकी एज. तो हम क्या लिखेंगे सीधे, नूरीज एज एक्स माइनस फाइव इज इक्वल्स टू थ्री टाइम्स ऑफ सोनूज एज. सोनू के एज का थ्री टाइम्स है. अब इसका हम सीधे बनाते हैं इक्वेशन, एक्स माइनस फाइव इक्वल्स टू थ्री का वाई में, थ्री वाई माइनस थ्री फाइव जो फिफ्टीन, तो एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू माइनस फिफ्टीन, ये इधर गया तो प्लस फाइव, तो एक्स माइनस थ्री वाई इक्वल्स टू फिफ्टीन से फाइव माइनस करोगे तो टेन, माइनस टेन होगा क्योंकि यहाँ क्या फिफ्टीन का साइन ग्रेटर है. तो हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन करके तैयार है. सेकेंड इसमें कह रहा है टेन ईयर लेटर, लेटर का मतलब बाद में, मैं वही कह रहा हूँ जो वर्ड्स हमारे हैं वो तुम्हारा क्लियर हो जाएगा. लेटर आया तो यहाँ समझो लेटर का मतलब क्या होता है, लेटर का मतलब सब जानते ही होगे ना, इतना तो पता ही होगा. तो अब यहाँ फाइव ईयर पहले की बात हो रही थी, अब टेन ईयर लेटर यहाँ पर लिख दो, टेन ईयर लेटर. मूवी देखते हो ना कई बार, अचानक से हीरोज छोटे होते हैं और अचानक से लिखता है टेन ईयर लेटर या ट्वेंटी ईयर लेटर, हीरो बड़े हो गए, एक्शन शुरू हो जाता है उसके बाद. अब 10 ईयर लेटर नूरी की एज कितनी होगी, अभी नूरी की एज एक्स ईयर है, ये क्या हो गया, ये मीट नहीं रहा. तो नूरी की एज 10 ईयर के बाद 10 साल और ऐड हो जाएगी इसमें, और सेम वैसे ही जो सन सोनू की एज है वो कितनी हो जाएगी, वो भी 10 ऐड हो जाएगी इसमें उसकी एज में. इन्हें हम इरेज कर देते हैं, इक्वेशन को यहाँ पर छोड़ देते हैं अभी. अब 10 ईयर लेटर इन दोनों में नूरी एंड सोनू में रिलेशन क्या है, देखते हैं कि 10 साल बाद इनके बीच में क्या रिलेशन बना. रिलेशन इनके एज कैसे समझना कि अभी जो है फ्रेंड है बाद में शादीवादी हो गई इनकी 10 साल बाद, ऐसा नहीं है. 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, नूरी जो है सोनू का टू टाइम्स रह गई. नूरी जो है नूरी नूरी इज इक्वल्स टू टू टाइम्स ऑफ सोनूज एज वाई प्लस टेन. ये हमारा क्या बन गया, देखो ये अगर बनाना आ गया इस तरीके से, ये तुम्हारा क्या, ये मैथमेटिकल लैंग्वेज है, तुमने इसको क्या किया लिख दिया है. अब इसको सॉल्व करना तुम्हें आना चाहिए, इक्वेशन तुम्हारा ऑटोमेटिकली आ जाएगा. यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक्स प्लस टेन इक्वल्स टू टू वाई प्लस टेन, ये हो गया. उसके बाद इसको सॉल्व कर लो, एक्स इसको 2y है ना प्लस 10 इक्वल्स टू वाई प्लस 20. अब क्या हो जाएगा, x 2y इधर आ गया माइनस 2y इक्वल्स टू 20 प्लस प्लस नहीं माइनस 10. तो यहाँ से x माइनस 2y 20 माइनस 10 10, ये तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन हो गया, x माइनस 2y इक्वल्स टू 10. आई होप कि आप लोगों की इसी समझ में आ गई होगी. और जैसे भी कोई भी एज प्रॉब्लम हो, अब आप यहाँ से इसको देखने के बाद जितनी भी बुक्स आपके पास हैं सबको उलटना शुरू करो और जाकर के देखो कि एज प्रॉब्लम के क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे. इसके अलावा और भी कोई एज प्रॉब्लम हो आपके पास, अगर आपको लगता हो कि सॉल्व नहीं हो रहा है, आप मुझे व्हाट्सएप करो, सर ये क्वेश्चन है, पिक उसके सेंड करो, इसका इक्वेशन बना के हमें बताओ कि इसका इक्वेशन क्या होगा, तो मैं कोशिश करूँगा आपके इक्वेशन व्हाट्सएप पर सेंड कर दूँ. क्लियर, आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ना हो तो काफ़ी अच्छी बात है, होगी तो कोई बात नहीं है. चलो चलते हैं फिर और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रॉब्लम के साथ. हम लोग की मुलाकात ही प्रॉब्लम ही जिंदगी ही प्रॉब्लम है, मैथमेटिक्स तुमने ले लिया तो प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है. हम जब भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और प्रॉब्लम के साथ मिलते हैं, कभी भी किसी पार्टी वार्टी के साथ नहीं मिलते, ठीक है. ऑल दी बेस्ट, थैंक यू, मिलते हैं फिर कभी किसी और प्रॉब्लम के साथ.